13 देखिए, कह रहा ए एंड बी इच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, ए से टू बी इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज आई विल बी ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट इफ विद यू। अच्छा कह रहा है, ए कह रहा है बी से, ये और बी के पास कुछ मैंगोज है, ए बी से कहता है कि अगर तुम मुझे 30 मैंगो दे दोगे तो मैं तुमसे दो गुना, जितना तुम्हारे पास मैंगो बचेंगे उसका मैं दो डबल हो जाऊंगा। बी रिप्लाइज करता है इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 ही दे दो आई विल बी ट्राइस एज मेनी एज लेफ्ट ऑफ यू, यानी कि अगर तुम मुझे सिर्फ, बी कह रहा है इसे कि अगर तुम मुझे 10 ही मैंगो दे दोगे तो मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा नंबर ऑफ मैंगोज में। हाउ तुम्हारे पास बच्चे हुए मैंगो, कह रहा हाउ मैनी मैंगोज डज इच है, तो हम लोग लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ मैंगोज लेट द नंबर ऑफ मैंगोज किसके पास ऑफ ए इक्वल टू माई एक्स एंड द नंबर ऑफ मैंगोज ऑफ बी इक्वल टू में क्या है वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ए से टू बी क्या कह रहा है, तो हम लोग एक तरफ एक्स दे देंगे एक तरफ वाई दे देंगे। अच्छा ए बी से क्या कहता है कि अगर तुम मुझे 30 मैंगो दे दो, तो ये 30 मैंगो ले लिया और ये 30 मैंगो इसको दिया है इसलिए इसमें माइनस हो गया, तो ये कह रहा है कि मैं तुमसे ट्वाइस हो जाऊंगा। तो यहाँ से x प्लस 30 इक्वल टू में 2y माइनस का 60, इसको उधर ले जाएंगे इसको उधर ले जाएंगे, तो x माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का 90 हो जाएगा। अब देखिए फिर y वाला यानी कहने का मतलब b कहता है इसे कि अगर तुम मुझे 10 ही मैंगोज दे तो ये 10 मैंगोज इससे ले लेगा और इसमें 10 लॉस हो जाएगा, तो ये कह रहा है कि मैं तुमसे ट्राइस हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से 3x माइनस का 30 इक्वल टू में वाई प्लस 10, इसको इधर ले आते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 40 आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन सेकंड में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वाई वाला कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए क्या होगा, x माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का 90 और यहाँ 6x माइनस का 2y इक्वल टू में 80, माइनस प्लस माइनस ये आपका हट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू में माइनस का 170, इसको काट देंगे, ये ले जाएंगे डिवाइड में तो 170 और y में 5, कितना बार में हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 15 और 5 4 20। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 34 आ गया है ना। अच्छा x का वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट या सेकेंड में, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का 90, तो x का वैल्यू 34 है यहाँ पुट कर देते हैं माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का 90, ये 34 उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का 90 माइनस का 34, तो माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का कितना जाएगा 124, माइनस में ऐसा कर देंगे इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो यहाँ पर आ जाएगा 62, समझे ना वाई के वैल्यू 62, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ मैंगोज ऑफ ए कितना है, ए के पास कितने मैंगो हैं, तो उसके पास 34 थे, द नंबर ऑफ मैंगोज ऑफ बी के पास 62 मैंगो। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर
रवि का आंसर, और थर्ड चैनल है रवि का आंसर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।